सबसे पहला डी था ड्रीम। आपने ख्वाब देखा कि मुझे एक ऐसी जिंदगी, ये भी जिंदगी होती है, ख्वाब देखा कि ये भी एक जिंदगी है। देन नेक्स्ट डी डिजायर, आपके अंदर एक शरीर ख्वाहिश पैदा हुई कि ये ख्वाब वाली जिंदगी मैंने जीनी है। देन यू मेड अ डिसीजन, तब आपने एक फैसला किया कि जो भी हो जाए, इसकी जो भी कीमत हो, मुझे हर हाल में ये मंजिल हासिल करनी है, मुझे हर हाल में इस मकसद को पाना है। यू मेड अ डिसीजन। थर्ड इज डिसीजन, आज जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं ये आपके कल के डिसीजन का नतीजा था, जो आपने कल फैसले किए आज उसकी जिंदगी है ना ये। तो आने वाले दिनों में आप जो जिंदगी गुजारेंगे वो आज के डिसीजन होंगे। तो जो भी जिंदगी आप गुजारते हैं वो आपके अपने डिसीजन, आपकी अपनी चॉइसिस का मजमू होता है। तो फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करके डटे रहना, उस पर साबित कदम रहना, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंपॉर्टेंट है। कितना? बहुत। रास्ते में मुश्किल भी आती हैं। ऐसे ही डिसीजन कासियस कले ने किया, नाम था कासियस कले, हैवीवेट बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था, चैंपियन नहीं था अभी। इसने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया, नाम रखा गया मोहम्मद अली, दुनिया इसे मोहम्मद अली कले के नाम से जानती है, आप भी जानते हैं। अच्छा, एक ये काला ब्लैक, उस वक्त कालों को गोरों के बराबर हकूक हासिल नहीं थे, एक काला और दोपहर से बॉक्सर और तीसरे से मुसलमान, यानी मुसलमान दहशतगर्द, यही हुआ ना। अब उन्होंने इसके ऊपर बहुत दबाव, मतलब सब अमेरिकन्स ने इसके ऊपर बहुत दबाव डाला कि तुम अपना इस्लाम कबूल करने का फैसला वापस ले। इसने कहा नहीं, डिसीजन कर लिया ना मैंने, अब उस डिसीजन पर डट जाना है। बहुत दबाव डाला, ये नहीं माना। उन्हीं दिनों में वियतनाम में जंग हो रही थी, तो अमरीका के जितने खिलाड़ी थे वो सब जंग में जबरी भर्ती के कानून से इस्तेस्ना उन्हें हासिल था कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी। अमेरिकन्स ने इसका इस्तेस्ना खत्म कर दिया और इसे कहा कि तुम वियतनाम में जाके रहो। इसने कहा कि आपकी ये जंग इंसानियत के और अखलाकी कदरों के खिलाफ है, मैं ये जंग नहीं लड़ूंगा। उन्होंने स्टेट ऑर्डर, उसने कहा मैं नहीं मानता, उन्होंने जेल में डाल दिया, इसका बॉक्सिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब एक आदमी को आता ही कुछ उस काम के अलावा नहीं, मतलब मुझे सिर्फ बोलना आता है, अगर मुझे बोलने पर पाबंदी लग जाए, जैसे कि कई इदारों में लग चुकी है, तो अगर वो लग जाए तो फिर मेरे लिए तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे ना कि मैंने अर्निंग कैसे करनी है, लाइफ कैसे गुजारनी है। इसे भी एक ही काम आता है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग करने पे, बॉक्सिंग लड़ने पे, बॉक्सिंग सिखाने पे पाबंदी, और ऊपर से जेल में डाल दिया। फिर दबाव डाला जा रहा है कि तुम इस्लाम कबूल करने का फैसला वापस ले लो। ये कहते नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, यही करना है। लेकिन जेल में डाल के भी अमेरिकन के जज्बा इंतकाम को तस्कीन नहीं मिली, उन्होंने कहा इसे और ज़्यादा कुछ लील किया जाए। तो ये जब 6 महीने हुए तो अमेरिका की एक स्टेट गालिबन कैलिफोर्निया में इन्होंने आर्जी तौर पर मोहम्मद अली कले का बॉक्सिंग का लाइसेंस बहाल किया और मोहम्मद अली कले को जेल में ऑफर पहुंचाई कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन से तुम्हारा मुकाबला रखा जा सकता है। कैलिफोर्निया में तुम्हारा लाइसेंस बहाल कर दिया गया है, अगर तुम सोनी लिस्टन, जो उस वक्त का हैवीवेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन था, अगर तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो तो बोलो। अब उसे आता ही कुछ नहीं और वो क्या करे, उसने कहा ठीक है लड़ लेता हूँ। 6 महीने जेल में ना खुराक सही तरीके से खाई, ना ट्रेनिंग की, ना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की, कुछ भी नहीं किया, जेल से निकला मुकाबला लड़ने चला गया। तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने वो मुकाबला लाइव देखा, मुकाबला शुरू हुआ। आज भी बॉक्सिंग के मुकाबले वो रवायती तरीके से होते हैं कि वहाँ पे खातून ने उसमें हाथ में राउंड 1 राउंड 2 पकड़ के पहले चक्कर लगाती है, फिर जैसा स्कूल में घंटी नहीं पहले होती टन टन, वो घंटी बजती थी पीरियड की, वो राउंड 1 टन, फिर 2 राउंड टन, ऐसे होता है मुकाबले की घंटी बजे टन। जिन लोगों ने वो घंटी बजते हुए देखी वो मुकाबला नहीं देख सके, जिन्होंने मुकाबला देखा वो घंटी बजते हुए नहीं जा सके। हुआ ये कि यहाँ से उसने वो टन किया, इधर से मोहम्मद अली ने पंच मारा, पहला ही पंच इतने जबरदस्त तरीके से उसके ऐसे हिस्से पर लगा जिस्म के मुंह के कि वो नॉकआउट हो गया। 1 सेकंड में नॉकआउट, 1 सेकंड में मुकाबला खत्म। अगले दिन अखबारों में खबर लगी मुकाबला फिक्स था, जुआ हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी 6 महीने जेल में रहे, खाना सही ना खाए, ट्रेनिंग ना करे, उसका उस्ताद वहां पे मौजूद नहीं है और वो आके 1 सेकंड में मुकाबला खत्म, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन? इम्पॉसिबल। उन्होंने चंद हफ्तों के बाद एक और अमेरिका के मारूफ बॉक्सर के साथ उसका मुकाबला रखवाया कि अब इससे लड़ो। उसने कहा ठीक है, रिंग में गया तो मोहम्मद अली कले को अपने ऊपर एतमाद था, इसने बॉक्सर को असेस कर लिया कि ये ठीक है, मैं इसे लड़ सकता हूँ। तो मोहम्मद अली कले ने उसे मारना शुरू किया, पहले राउंड से लेकर 15वें राउंड तक मोहम्मद अली उसे मारता रहा, उसकी पसलियाँ तोड़ दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, जबड़ा तोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, कोहनी तोड़ दी, उसे जिस्म के बेशुमार हिस्से तोड़ दिए, मगर ऐसी जगह पर पंच नहीं मारा जिससे वो नॉकआउट हो जाता।
उसे बेहोश नहीं होने दिया, उसे मारता रहा 15 राउंड तक मार मार के उसे बेहाल कर दिया। जब 15वां राउंड शुरू हुआ उसने 5 मार के उसे नॉकआउट कर दिया। अगले दिन अखबार में एक खबर लिखी जो शाया हुई वो ये थी कि जालिम वैशी बॉक्सर को 15 राउंड तक मारने की क्या जरूरत थी, पहले राउंड में मुकाबला खत्म कर सकता था। अच्छा इधर कर लो जीने नहीं देना, डटा रहा। फिर ये मुसलमान दहशत गर्द करार पाया, हुकूमत का नाफरमान, सभी कुछ हो गया। लेकिन आज यही अली आज भी जिंदा है। और मैंने ये तस्वीर किसी पाकिस्तानी वेबसाइट से नहीं, एक अमेरिकन वेबसाइट से डाउनलोड की है, और वो आज अमेरिकन मीडिया इसे मोहम्मद अली को अली द ग्रेटेस्ट के नाम से जानता है। कोई मीडिया वही मीडिया जो इससे गद्दार, बागी, दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहता था, आज वही मीडिया इसे द ग्रेट बल्कि द ग्रेटेस्ट कहता है। यही कह रहा है ना। अब देख लेगा, इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स ली, अलेक्जेंडर, अगर उसने फैसला किया डटा रहा तो तारीख उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। जिना की मिसाल दी तो जिना को आप कायद कहते हैं कि कायदे आजम कहते हैं, कायद द ग्रेट। मोहम्मद अली की बात करते हैं तो तारीख आज उसे किस नाम से याद करती है, अली द ग्रेटेस्ट के नाम से। ये वो लोग हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट लगता है, जो अपने फैसले करके उन पर डटे रहे। लेकिन तालियां बजाने से मजा नहीं आएगा, मजा तो तब है कि आप बताएं कि आप में से वो कौन लोग हैं कुछ अरसे के बाद जिनके नाम के साथ द ग्रेट लगने वाला है।